आईपीएल 2023 में खेले जा रहे कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का ये मुकाबला ऐतिहासिक मैच गिना जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले में राजस्थान के एक नहीं दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। पहले युजवेंद्र चहल, जिन्होंने आईपीएल में 184वां विकेट लेते हुए आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर लिया। तो फिर वही, जब चेज करने राजस्थान की टीम उतरी तो बल्लेबाजी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने भी ऐतिहासिक पारी खेली। 21 साल के यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में मात्र 13 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए आईपीएल में सबसे तेज 50 जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ये सच है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड अब जायसवाल के नाम आ गया है। उन्होंने मात्र 13 गेंदों में अपने अर्धशतक को अंजाम दिया। इस मुकाबले में केकेआर के कप्तान नीतीश राणा पहले गेंदबाजी करने उतरे और उनके पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 26 रन बटोरे। नीतीश राणा की इसी गलती की वजह से यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में अपने अर्धशतक को अंजाम देते हुए आईपीएल में इतिहास रच दिया। आपको बता दें, इससे पहले तक आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक ठोकने का रिकॉर्ड पैट कमिंस और केएल राहुल के नाम था, जिन्होंने 14-14 गेंदों पर आईपीएल में 50 पूरा किया था। लेकिन एक गेंद कम लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल युवराज सिंह के 12 गेंदों के 50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, लेकिन 13वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेते हुए इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने आज इस मैच में ग्राउंड के चारों ओर बाउंड्री जड़ी। अपने अर्धशतक को अंजाम देने के लिए यशस्वी जायसवाल ने 6 चौके तो वहीं 3 छक्कों का सहारा लिया। उनकी बल्लेबाजी देखने के बाद तो कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए और लगातार फैंस मैच का लुत्फ उठाते दिखाई दिए।